सो हे गाइस, देख पा रहे हैं आप, ये है बोस कंपनी की प्रोफेशनल ड्रिल मशीन। ये हमने अमेजोन से परचेज किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, बट ये काफ़ी हैवी क्वालिटी की होती है। इसको आप प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हैं किसी काम से। अगर आप बाहर कोई काम करते हैं, आप एक मैकेनिक हैं, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको इसका रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा, इसकी हम ओनली अनबॉक्सिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका पावरफुल रिव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग करके क्या क्या इसके अंदर मिलता है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। ओके, तो देख पा रहे होंगे गाइज, ये है बोस कंपनी की GSB-10RE। ओके, ये आपको ड्रिल मिल जाती है, इसके अंदर काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर दी गई है बॉक्स के अंदर। तो इसको निकाल लेते हैं एक बार। ये इसकी वायर है, तो इसको साइड में रख लेते हैं। काफ़ी अच्छी वायर की क्वालिटी दी गई है इसके अंदर, ये देख पा रहे होंगे। तो ये जो ड्रिल आप देख पा रहे हैं, ये ड्रिल ऑपरेशन के अंदर आती है, ठीक है। ये रिवर्स और आपकी फॉरवर्ड दोनों साइड में रोटेट होती है, ठीक है। तो जो इसका चक साइज है वो 10 mm का है, मैक्सिमम 10 mm की बीट इसके अंदर आप लगा सकते हैं। 1 point something से लेकर 10 mm तक इसमें बीट लगा सकते हैं, ओके। तो ये इसकी यूजर मैनुअल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये प्लायर मिल जाता है आपको। प्लायर थोड़ा सा साइज स्मॉल है, छोटा साइज है, बट ठीक क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी का मिल जाता है आपको। उसके बाद ये हैमर है, हैमर भी ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाता है। रबड़ की ग्रिप दी गई है ऊपर, देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपका कोई भी नीडल या नेल्स वगैरह निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मीडियम क्वालिटी है। उसके बाद आपको देखिए ये रेंच सेट मिल जाता है, ठीक है, एडजस्टेबल रेंच मिल जाता है। ये आपका आप एक नट या बोल्ट खोलने के लिए, ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी भी, मीडियम क्वालिटी है, ओके। तो इसको भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद इसमें आपका स्ट्रिप लेवलर मिल जाता है, ओके, स्प्रिट लेवल जिसके साथ कर सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा स्लाइड करके राइट साइड में निकालना पड़ता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और किसी एंगल पे आप लेवल चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी में आपके ये काम आएगा, ठीक है। तो नीचे के पोर्शन में बस इतना ही था। हाँ, नीचे की तरफ आपको ये बोल्ट के होल्डर मिल जाते हैं, ठीक है, बोल्ट सॉकेट मिल जाते हैं, जिसमें आप 4 mm से लेकर 10 mm तक के बोल्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें ड्रिल के आगे लगाने के लिए इसका सॉकेट मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ ये सॉकेट डल जाएंगे और आगे आप स्क्रू की बिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर के पोर्शन में, ठीक है। ऊपर के पोर्शन में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ही नीचे की तरफ दी गई है ड्रिल के लिए बिट दी गई है। सबसे पहले जो रो में दी गई ये वुड के लिए हैं। वुड की भी आपको इसमें ड्रिल बिट मिल जाती हैं, साथ में मशीनरी, जो भी आपका कंक्रीट या ब्रिक्स वगैरह में अगर आपको होल करना है तो उसके लिए भी आपको ड्रिल बिट मिल जाती है, ठीक है। ये भी 10 mm तक है, 4 mm से 10 mm तक, और जो वुड वाली है वो 4 mm से 8 mm तक आपको मिल जाती है इसके अंदर। और साथ में मेटल बिट भी मिल जाती है, मेटल में आपको 4 mm से 8 mm तक मिल जाती है, ठीक है। तो 10 mm इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्योंकि 10RE इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। 500 वाट में आती है ये, और इसके जो मैक्सिमम RPM है वो 0 से लेके 2600 RPM तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक इसके अंदर कटर मिल जाता है आपको, नाइफ बोलते हैं जिसको। इसको निकाल के देख लेते हैं एक बार कैसी क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी अच्छी दी गई है, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नाइफ मिल जाता है इसमें, कटर मिल जाता है आपको। उसके बाद है
इसके साथ में ही एक मैग्नेटिक बिट होल्डर मिल जाता है। ये आप स्क्रू ड्राइवर की जितनी भी बिट है ये लगी हुई है, ये लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ये भी आपको देखिए प्लस वाले मिल जाते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं, क्योंकि ये डबल ऑपरेशन में है आपकी जो ड्रिल है, मतलब इसमें आप ओपन भी कर सकते हैं स्क्रू को और स्क्रू को टाइट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इसके ऑपरेशन दिए गए हैं, ठीक है। ये इस बिट के अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, इधर से डाल सकते हैं इसके अंदर, इस तरीके से इसमें मैग्नेट दिया गया है, ठीक है। ये बिट अच्छे से इसके अंदर फिट बैठ जाती है, ठीक है, ओके। उसके बाद इसके अंदर ये बिट दी गई है प्लास्टिक की, जो दीवार में या वाल में होल करते हैं आप उसके अंदर गिट्टी लगती है प्लास्टिक की, प्लास्टिक के होल्डर भी कह सकते हैं, प्लग भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। ये तीन तरीके के मिल जाते हैं आपको, 3.5 mm के स्क्रू के साथ और 8 mm का प्लग मिल जाता है, 10 पीस मिल जाते हैं। और उसके बाद आपको 5 mm के स्क्रू और 5 mm का प्लग मिल जाता है, 10 पीस इसके मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है इसके अंदर 4 mm के स्क्रू और प्लग 6 mm के मिल जाते हैं, ये भी 10 पीसीज हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक ठाक क्वालिटी है, आपको इमरजेंसी में यूज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक इंची टेप मिल जाता है, ठीक है, टेप कह सकते हैं आप इसको, मेजरमेंट टेप, ठीक है। ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है, ठीक है, ठीक ठाक है पार्ट टाइम या अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, कभी कभार यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये इंचीज में नहीं दिया गया, ये सीधा आपका सेंटीमीटर के अंदर दिया गया, ठीक है। ये ना समझे कि इसके अंदर इंच दिए मिलेंगे आपको, सीधा क्या है ये सेंटीमीटर के अंदर दिया गया, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर, ओके। तो ये सब इसके अंदर मिल जाता है। जो इसका बॉक्स है, बॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, जो सारे के सारे जो सामान है इसके अंदर वो अच्छे से फिट हो जाता है, मतलब इधर उधर हिलता नहीं कभी भी। आप अगर आउटडोर यूज करना चाहते हैं, कहीं भी लेके जाना है आपको, कहीं भी वर्क करना है बाहर ऑफिस में या घर पर, तो इजीली इसको कैरी किया जा सकता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अब मैं ड्रिल के बारे में बता देता हूँ आपको, एक दो ऑपरेशन इसके, ठीक है। ये हैमर के अंदर भी आती है, ठीक है, हैमर मिल जाता है। अगर आपको इस तरफ से स्लाइड करोगे इसको तो हैमर ऑपरेशन है। हैमर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आपका जो ब्रिक्स है या वुड है वो ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, तो हैमर ऑपरेशन यूज करेंगे इसका, थोड़ा सा वाइब्रेशन के साथ ये होल करेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी जो वाल है, ब्रिक्स है, वो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, कंक्रीट बिल्कुल स्मूथ है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल मोड में यूज कर सकते हैं इसको, ड्रिल मोड में, ठीक है, हैमर मोड में यूज करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ, एक इसके लॉक बटन मिल जाता है इसको, ये जो रेड दिया गया है बीच में, अगर ये सेंटर में रहता है तो ये आप इसको ड्रिल को यूज नहीं कर सकते, ये बटन प्रेस नहीं होता इसका, ठीक है, तो इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड करना पड़ता है, ठीक है। और अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो आपको राइट साइड इसको स्लाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसको लेफ्ट साइड स्लाइड कर दें, ठीक है। तो दोनों ऑपरेशन है, फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी की ड्रिल है। इस पर भी कुछ आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इसके बारे में, 220 से 230 वोल्ट मैक्सिमम वोल्ट इसको देने चाहिए, 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, 500 वाट है और 2600 RPM दिए गए हैं इसके, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, जो प्राइस रहने वाला है इसका वो 3600 है। ये कंप्लीट जो बॉक्स है, सारा का सारा इसके अंदर जो भी सामान है, ये 3600 का आपको अमेजोन से मिल जाएगा। आप अभी जाके परचेज कर सकते हैं, लिंक इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।